गणिपाद पितामह। ठहरो पुत्र। मेरे चरण स्पर्श मत करना, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा। आशीर्वाद तो हृदय की भावना है महामहिम। जलाशय में हाथ डुबोने वाले को जल प्राप्त हो ही जाता है, जलाशय चुनाव नहीं करता। किसी प्रकार पिता प्रणाम करने वाली संतान को आशीर्वाद मिल ही जाता है। सूखे हुए जलाशय से जल प्राप्त नहीं होता वासुदेव। इस अधर्म को देखकर मेरा हृदय सूख गया है। कौन सा अधर्म महामहिम? गुरुवंश का अपमान हुआ है इस मंडप में आज। बागदत्ता कन्या का विवाह किसी अन्य के साथ नहीं हो सकता वासुदेव। तो क्या कन्या की इच्छा का कोई महत्व नहीं? यदि कन्या से पूछकर आपने वचन दिया होता तो उचित होता। किंतु इस प्रकार परंपरा को तोड़ना उचित नहीं। मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास तब होता है जब परंपराओं का वहन किया जाता है। परंपराएं, परंपराएं आम के फल की भांति होती है। जन्म के समय सबको कड़वा लगता है, कुछ समय बाद खट्टा स्वाद देता है। जिसे खटाई प्रिय हो वो उसका स्वीकार कर लेता है और फिर कुछ समय पश्चात वो मधुर लगने लगता है, सबका प्रिय बन जाता है। किंतु एक समय आने के बाद वो गल जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है महामहिम। खाने वाले को रोग लग जाता है और अंत में रह जाती है फल की सूखी गुठली, तो किसी के काम नहीं आती। मुझे परंपराओं से विरोध नहीं है महामहिम, किंतु परंपराएं जब शोषण का कारण बन जाएं, सुख के बदले दुख देने लगे, तो उस परंपरा को भूमि में गाड़कर नई परंपरा को जन्म देना ही होता है। कौन सी परंपरा सड़ी गली है ये कौन निश्चित करता है? आप वासुदेव। नहीं, समय निश्चित करेगा और समय का विधान सबको मानना पड़ता है महामहिम।